हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय करोगे विंटर्स को। लेकिन यार वेदर बड़ा खतरनाक है, देखो धूप का कोई नामो निशान नहीं है। और अभी मैं बाहर से आ रही हूँ, मैं वेजिटेबल्स लेके आ रही हूँ। घर में सब्जियां खत्म हो रही थी, खत्म नहीं मतलब थी तो एक दो गोभी पड़ी थी, एक आलू पड़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। तभी कुछ मेथी, गाजर, टमाटर ये लाई हूँ, क्योंकि सर्दियों में बार बार बाहर जाने का मन नहीं करता और थोड़ा सा अनसेफ भी है। उनको थोड़ी देर में वॉश करके रखूंगी। लेकिन एक बज गया है और तो मुझे लंच बनाना है। और लंच में सर्दियों के मौसम में अच्छी अच्छी चीजें बनती रहे ना, तो फैमिली मेंबर्स भी खुश रहते हैं, नहीं तो इनके मुंह चढ़े रहते हैं। श्रीधर सक्षम इधर बैठे हैं ब्लैंकेट के अंदर। हेलो करोगे क्या? जो गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए टॉफी लाई हुई है कि फिर भी चिढ़ रहे हैं। लॉलीपॉप दुकान वाले भैया के पास थी नहीं सक्षम, दूसरे वाले से ले लेती। मैं और दुकान पे नहीं गई आजकल, इधर उधर। हाँ सेफ भी नहीं है आजकल इधर उधर फालतू घूमना, तो मैं जो मिला वो लिया इनके लिए। और हमेशा चिप्स मांगते रहते हैं, हमेशा चिप्स सही नहीं होते बच्चों के लिए। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज जवे बनाए थे। ब्रेकफास्ट में जवे बनाए थे जो कि थोड़े से कुकर में बचे रखे हैं, तो चाय भाई के साथ खा लेंगे। और अभी मैं बनाऊंगी बहुत अच्छी डिश। आज मैं सोचूं दाल मखनी बनाती हूँ, बहुत दिन हो गए। तो रात ही भिगो दिया था मैंने उड़द और राजमा, और ब्रेकफास्ट बनाते बनाते मैंने इसको बॉईल भी कर लिया दोस्तों। इसमें चार सीटी लगाई है मैंने, रात भर भीगा हुआ था ये राजमा और उड़द। तो आज मैं आपके साथ में दाल मखनी की रेसिपी शेयर करूंगी, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ आप भी ट्राई करना, बहुत यम्मी बनेगी, टेस्टी बनेगी, सर्दियों में अच्छी लगती है। मेरे हाईनेक पे काफी सिलबटे सी हो रही है, लेकिन हाईनेक पहन के ना आराम मिल रहा है, तो चलिए लग जाती हूँ अपने काम पे। जैकेट उतारनी पड़ेगी, जैकेट पहन के ना कुकिंग नहीं होती और दाग भी लग जाते हैं, तो इसको उतार के रखते हैं और करते हैं काम। ठीक है, और सीधा मैं तुम्हें जैकेट दी थी, तुमने जैकेट नहीं पहनी। कमर में घुसी मैं, मैं भी जैकेट पहन के रखू, तुम बाबा उठती हो तो ठंड लग जाएगी, मैं गुस्सा करूंगी। पिछले दिन क्या हालत थी तुम्हारी, याद है? भूल गई, मुश्किल से मैंने तुम्हारी तबीयत ठीक करी, पता है कुछ? अभी दोस्तों ठीक है, अभी जैकेट उतार दी, मगर ये कैप नहीं उतारूंगी, इसके बिना काम नहीं चलता यार, बहुत ठंड है, सर दर्द होने लगता है फिर, है ना? क्योंकि अच्छे से दिखते हैं, अच्छे दिखने के चक्कर में तबीयत खराब हो जाती है, इसमें कुछ ज्यादा ही सलवटे पड़ गए। क्यों लड़ रहे हो? कुछ काम नहीं लड़ने के अलावा, क्यों? तो दोस्तों दाल मखनी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है कढ़ाई में, और ऑयल मैंने बहुत कम लिया है, आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए जितना आप खाते हैं। और ये जो उड़द और राजमा है इसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, और सुबह उठने के बाद इसमें दो उसमें चार सीटी लगाई हैं। अभी मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि दो बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची ग्रीन वाली, चार लौंग, चार काली मिर्च, एक हरी मिर्ची तोड़ के सूखी हुई, नहीं लाल मिर्च सूखी हुई तोड़ के, थोड़ा सा तेज पत्ता बहुत थोड़ा सा है वही मैंने डाल दिया, एक फूल चक्री, मतलब जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो मैंने सब डाल दिए इसमें, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, और उसके बाद में थोड़ा जीरा डाला, उसको भून दिया, और जीरा डालने के बाद में मैंने उसमें जो प्याज चॉप करके रखी हुई है बारीक बारीक प्याज डाल दी, और प्याज के साथ में ही मेरे लहसुन भी चॉप करा हुआ है, दोनों एक साथ में डाल के मैं इसको फ्राई कर दूंगी, हल्का सा गोल्डन होने देंगे। और गोल्डन होने के बाद में इसमें मैंने टमाटर डाला है, टमाटर के भी मैंने बीज और छिलका उतार रखा है, क्योंकि मेरे घर में हेल्थ इशू है, इसीलिए आप पूरा डाल दीजिएगा। और इसी में मैंने अदरक और हरी मिर्च चॉप कर रखी है बारीक बारीक, तो इन सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मसाले डाल रही हूँ यहाँ पे, मसालों में मैंने यहाँ पे कुटा हुआ धनिया पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है, आप गरम मसाला ज़रूर डालिए, दाल मखनी मसाला भी आता है मार्केट में, चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ, काफ़ी टेस्टी बनता है। और उसके बाद में थोड़ा सा हींग डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था मसाला भूनने के लिए, और नमक थोड़ा सा दाल बॉयल करते हुए भी डाला था दोस्तों, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला था कलर के लिए, और इन सबको अच्छे से भून लिया। और उसके बाद में सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने इसमें डाला, एक ग्लास दूध डाला है। अगर आप लोग ये वाली ट्रिक नहीं अपनाते तो जरूर अपनाना, बहुत स्वाद बनेगी, और देखो कलर कितना बढ़िया आ रहा है, बहुत ही बिंदास कलर आ रहा है दोस्तों। और ये जितनी कढ़ेगी ना उतना इसका टेस्ट बढ़ेगा, कहते ना दाल मखनी, तो जो आपने इसमें दूध डाला ना बिल्कुल मक्खन का बटर का बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। आपको डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा थोड़ा हैवी और खाना चाहते हो ना तो आप इसमें फ्रेश मिल्क की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक ग्लास दूध डाल लिया है। और आप इसमें थोड़ा सा बटर भी डाल सकते हैं और स्वाद हो जाएगी, लेकिन मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी क्योंकि ऐसे ही काफी यम्मी बनेगी। और जब आप इसको सर्व कर रहे हो तो इसमें बटर डाल के सर्व करो, थोड़ी सी क्रीम डाल दो तो टेस्टी हो जाएगा। देखो कोई मार्केट की क्रीम डालने की जरूरत नहीं है आपको, और कैसे खद के खा रही है
जब प्लेट में आएगी ना और कोई खाएगा तो आपसे जरूर पूछेगा कि आपने दाल मखनी कैसे बनाई। लेकिन दाल मखनी बनाने की एक और इसमें इसका सीक्रेट और होता है, जो दाल मखनी जितनी ज्यादा कड़ती है ना तो एक क्रीम सी छोड़ दी जाती है, जो उड़द की दाल होती है, तो तभी वो सही मायनों में अच्छे से दाल मखनी बनती है। तो आप इसको खूब पकाओ जिससे कि बिल्कुल क्रीम छोड़ दे अपनी, ठीक है। तो बस मेरी तो पकेगी अभी ये 15-1 मिनट और उसके बाद में हो जाएगी तैयार। और इधर मैंने राइस रख दिया कुकर में बनने के लिए, कुकर येलो इसलिए हो रहा है, दाल वाले उसमें ही रख दिए मैंने वॉश करके अंदर से। तो बस लंच बन रहा है हम लोगों का दोस्तों। तो मेरी दाल मखनी कर के बावली हो रही है दोस्तों, तो ये पक चुकी है अच्छे से। और देखो इसको क्रीमी नहीं दिखाती, क्या बढ़िया क्रीम निकल के आई है इसमें से, और ये बिल्कुल तैयार है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इधर मेरे राइस भी बनने वाला है। और मैंने श्रीजा को टेस्ट कराई है तो श्रीजा कह रही है नम्मा बहुत ही मजा आ रहा है लंच में, तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और गैस को रख दूंगी बंद। और आपको अगर खानी है ना दोस्तों, आप बना रहे हो तो आप इसमें पनीर घिस के डाल दो थोड़ा सा और टेस्ट अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा क्रीम डालो फ्रेश, लेकिन ऐसे ही मेरी बहुत स्वाद बनी है, मैं इसमें और कुछ नहीं डालूंगी, बस हरा धनिया मैंने इसमें डाल दिया है और गैस को कर दिया है बंद और मेरा लंच हो गया रेडी। कर देती हूँ थोड़ी देर जब तक राइस नहीं बनते, सीटी आने वाली है कुकर में। तो टेस्टी टेस्टी लंच तैयार है दोस्तों, आप भी आ जाइए खाने के लिए। खाना तो खा लिया यम्मी यम्मी, और उसके बाद हम कर रहे हैं रेस्ट और पतिदेव कह रहे हैं आज का ब्लॉग मैं बना देता हूँ तुम्हारा। बनाओगे आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा एक बात है दोस्तों, जब भी कैमरा सामने आता है तो ये बिल्कुल साइलेंट मूड में आ जाते हैं, और उससे पहले ये इतना कुछ बोलते रहते हैं। और अभी मुझसे ये कह रहे थे कि आज का तुम्हारा ब्लॉग मैं बना देता हूँ, मैंने कहा पता नहीं कौन सा दिन होगा भाई, वो ऐसा कमाल होगा। आप कर क्या रहे हो वैसे, लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? टाइम पास, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं। टाइम पास कर रहे हैं अभी तो, कुछ देख रहे थे कोई साइड अपने ऑफिस की खोल वोल के, कुछ देख रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। और काम पे गए थे ये सुबह मॉर्निंग में, जो काम था अपना जल्दी जल्दी फिनिश करके आ गए। और बिना बात के इधर उधर घूमने का आजकल कोई मतलब नहीं बनता दोस्तों, है ना, क्योंकि बाहर आपको लगता है कि ज़रूरी काम है तो ही जाओ, नहीं तो घर में रहने में ही फ़ायदा है। अभी ये देख रहे हैं कि मैं बना भी रही हूँ ब्लॉग, ये उनका बुद्धू बना रही हूँ, बुद्धू नहीं बना रही। हाँ आप बोल के बताना क्या बोलना था, क्या बोलूँ, कुछ तो बोलो। अच्छा मास्क उतार के कर, चेहरा तो दिखा दो सबको अपना। और मास्क ऊपर चढ़ा लिया तो इनको तो कुछ कहेंगे तो ये उल्टा ही करेंगे, जब इनका मूड होगा तभी करते हैं अपने मूड के हिसाब से काम। और दोस्तों अपना तो ये काम है ना, मैं अपने काम को इन पे बर्डन नहीं बनाती कि मेरा ब्लॉगिंग है तो तुम आओ और जबरदस्ती, है ना, क्योंकि लाइफ में सबके स्पेस होना चाहिए कुछ, ठीक है, बस यही। और अभी तो मैं तो लेटी हुई हूँ, रेस्ट कर रही हूँ, और दोपहर में थोड़ा सा लेट जाती हूँ ना तो अच्छा फील होता है, शाम के काम को करने की एनर्जी मिल जाती है। और आज की दाल बहुत टेस्टी बनी थी। कैसी बनी दाल, आपको अच्छी लगी दाल मखनी? हाँ तो बहुत इजी वे में बनाई थी, आप लोग भी ट्राई करना दोस्तों। श्रीजा सक्षम को भी काफी पसंद आई, खा रहे हैं वो बाहर खाना, उनका खाना अभी तक चल रहा है, 1 घंटा हो गया, धीरे धीरे खा रहे हैं दोनों। भाई तुम्हारी पतंग तो कल से बन रही है, कल से चिपक रही है दोनों की। मम्मी बन गई और सूख भी गई ड्रायर से, तो आज भी धूप नहीं आई ना ऊपर। तू आ गई, फोन करके बुला लो। दोनों ने पापा की बना दी काइट। हाँ पापा की भी, दोनों कल से पतंग बनाने लग रहे हैं, पतंग उड़ा लो पतंग उड़ा लो। छत पे हवा चल रही है इतनी, ये पापा की है, लाओ बेटा पापा उड़ाएंगे पतंग, हम उड़ा के देंगे ना भैया। मैं तो लेटती हूँ आराम से, पापा प्लीज पापा आपने क्यों बताया था पतंग उड़ाने वाली बात? बच्चे कह रहे थे, मैंने कहा बेटा धूप निकली, ये भी नहीं पता होगा पतंग उड़ाते हैं। कल भी नहीं ले गई थी, कहाँ जाना तुमने? अरे छत पे जाकर करो क्या, हवा हमारी मम्मी बहुत गंदी है, हमें पतंग भी नहीं उड़ाने देती। पापा ने माफ कर लिया मुझे।
अभी इवनिंग का टाइम है, मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उठ गई थी। मैं सचिन को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। सचिन बैठो ना, बैठो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बैठो, बैठ जाओ। इसको पढ़ाना बड़ा भारी काम हो रहा है आजकल। पी4 पैरेट उठाओ जल्दी, मुझे काइट उड़ानी है। काइट 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 बाद में उड़ाएंगे, पढ़ाई के टाइम पी4 पैरेट से शुरू करो। तो बस इसको मैं पढ़ा रही हूँ दोस्तों, और इवनिंग के 6 o'clock होने वाले हैं। दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ को क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। बस जिंदगी लग रहा है भाग रही है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं बस। और ये चीजें करनी बहुत जरूरी हैं। और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तो उसकी वजह से क्या है, बच्चों की स्टडी पे असर पड़ा है काफी। पहले ट्यूशन टीचर आती रहती थी, वो काफी इसको कराती रहती थी, लेकिन मैं भी कराती तो रहती हूँ, मैंने छोड़ा तो नहीं इसको पढ़ाना, लेकिन लॉस तो हुआ ही है इसका। तो मैं थोड़ी देर इसको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है? चलो काम करो सक्षी। तो सक्षम को तो मैंने पढ़ा लिया, और इवनिंग का टाइम है, चीजा की क्लास चल रही है, ट्यूशन की क्लास। उसकी दीदी उसको मैथ करा रही है, ये इधर पढ़ रही है। और वैसे ट्यूशन जाती थी, बट ये जब से कोविड का बहुत ज्यादा हो गया ना, तो इसको ऑनलाइन 1 महीने के लिए कर दिया बच्चों को। ठीक भी है ना, थोड़ी सी टेंशन कम रहेगी। और मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ कुक करूं। रात के लिए दाल रखी हुई है, दाल मखनी जो बनाई थी, और कुछ नहीं कुक करूंगी, सबको बहुत अच्छी लगी। अभी मेरे पास ना काफी सारे तिल रखे हैं, तो मैं सोची तिल का कुछ बनाती हूँ। आई नो कि कल मकर संक्रांति थी, कल नहीं बन पाया यार, आज बनाती हूँ, कुछ देखते हैं क्या बनाती हूँ। गुड़ भी रखा हुआ मेरे पास, तो मैं सोची तिल और गुड़ के लड्डू ट्राई करती हूँ। और ये मैं पहली बार बना रही हूँ दोस्तों, पहले मैंने कभी बनाए नहीं है, तो पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन बनाने से ही तो आएंगे, तो शुरू करती हूँ बनाने। जब आरती हो तेरी, तेरा दर्द दिखाई दे, ले कौन? नहीं वो अलग से, इसका तो इनको डाल दो। और क्या नाम, ये गुड़ थोड़ा सा वो कर दो, तो मैंने यहाँ तिल ले लिए दोस्तों, तिल को मैं भून लूंगी। तिल भूनने में ज्यादा देर नहीं लगती है, जब तिल भुनते हैं ना हल्के से इनमें से ऑयल सा छोड़ देते हैं, थोड़े चिपके चिपके से हो जाते हैं थोड़ी देर बाद में। देखो भुन गए तिल, 5 से 7 मिनट भुने मैंने हल्की गैस पे, सिम गैस पे भुनने हैं। उसके बाद में मैंने गुड़ ले लिया है, गुड़ में बहुत हल्का सा पानी डाला, 4-5 चम्मच समझो सिर्फ आप, और उसको पिघला लूँगी अच्छे से। और थोड़ा सा घी भी डाल दिया इसमें, जिससे कि सॉफ्टनेस आए और टेस्ट आए। और उसके बाद में ये ऐसे बुलबुले से बन गए इसके, और बिल्कुल झाग से बन गए हैं। तो इसका मतलब हमारा पक गया है, पक गया है। ये अच्छे से टेस्ट करने के लिए मैं ग्लास में जो पानी रख रखा है साइड में, उसमें एक बूंद टपका दूँगी इसकी, जिससे कि अगर वो घुल सा रहा है तो मतलब गुड़ पका नहीं है, और नहीं घुल रहा तो इसका मतलब गुड़ पक गया है। बिल्कुल इकट्ठा सा हो गया तो मतलब गुड़ पक गया, इकट्ठा हो गया, चटोरी भी आ गई देख लो। तो उसके बाद में मैं अच्छे से पका लूँगी इसको, बिल्कुल बबल बबल से बनने लग जाएंगे, और बिल्कुल जमा हुआ हो गया ग्लास में। यही मतलब इसी से आइडिया हो जाता है। उसके बाद में मैंने तिल मिला दिया इसमें, मूंगफली जो थी वो हल्की सी भून के मैंने थोड़ी सी कूट ली, पता नहीं बनेगा क्या, मिला दिया। उसके बाद अगर नहीं जमाना तो हमें चम्मच से लेके खाना पड़ेगा, पापा को भी लगा रखा है यहाँ पे। गाइस गाजर का हलवा, गुड़ का हलवा, बंद कर लड्डू, ये आप मुझे समझ में आ गया यार। हाँ, मम्मी की शक्ल देखो कितनी खुश हो रही है। बंद गए बेटा, क्या बोला ना, बोल रहे हो और खुद ले लिया। देखो ऐसे गोल गोल मैं इसके लड्डू बनाती जाऊंगी। नहीं गाइस, ये गोल गोल बनाने पड़ेंगे, जैसे और लड्डू तो किसी और प्रकार से बनते हैं। और वो क्या नाम है इसको, बहुत गर्म है, किचन बड़ी सड़ा ली हमने तो अपनी। गाइस देखो कितनी अच्छी किचन है, मॉडर्न। गाइस अमेरिका में भी ऐसी किचन होती है। अरे क्या करें हम, ऐसी हो जाती है। ये देखो ये ना, अच्छा मुझे लगा खा रहे हो, खाओगे। गए देखो पापा के हाथ का लड्डू, वो पापा ने आपसे अच्छा बनाया है, आप अच्छा नहीं बना रही। तो पापा से खाना कह रही है, नहीं मैं नहीं बताऊंगी। देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं ये, सोने की गाइस देखो, समझ ना आई बात। गाइस देखो सोने के लड्डू, सोने ना गुड़ के और तिल के लड्डू, बुरा था। हाँ वो ही देखो, मम्मी देखो उधर तोते उड़ रहे हैं, मम्मी एक बार देखना जरा। हाँ तोते उड़ रहे हैं, कोई सेट कर देंगे बंद।
गाइस खा लेते हैं। गाइस उधर तोते उड़ रहे थे, मम्मी को कह दिया मम्मी से खा लूंगी। पापा क्या हो क्या हुआ? हाँ छल्ला पड़ गया, पापा के छल्ला पड़ गया। मैंने वीडियो बना ली। पापा के हाथ में ये ला, ये भी ऐसी कर रही है। पापा हमने किया क्या था गाइस? यहाँ से उठा लिया था ये, पता ये मैं सच्चे बड़े कॉन्फिडेंस से मैं कह रही हूँ। समझ में आई बात? समझ ना आई? का हाथ भी जला था, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। क्या वीडियो बना लिया? खाने में तो ठीक ठाक है, हमें बड़े मुश्किल लड्डू बनाएंगे। ये देखो गाइस लड्डू बन गए हैं इतने सारे, पापा बना रहे हैं। ये थोड़े छोटे होने चाहिए क्योंकि बहुत मीठे हैं। गाइस ऐसे पापा के पास लो, इधर हम इधर लो, इधर लो इधर लो, ऐसे घुमाते घुमाते लाना। चलो लड्डू खा लेते हैं। देखो ये भी नहीं खा रहा गाइस। रूम बहुत ज्यादा साफ हो रहा है, ऐसे तो पेस्ट निकल नहीं रहा। पेस्ट के पापा के हाथ पे लगाएगी? हाँ पापा का हाथ जल गया है। इतना भी खत्म कहा है, थोड़ा बहुत निकल। ड्रामे मत कर भाई, इतना नहीं निकल रहा। निकल रहा मैंने उन चीजों यहाँ पे लगा किया है जो वो सर। लड्डू तो बन गए मगर हस्बैंड जी का हाथ जल गया, दिखाना एक बार कैसा हो गया। लड्डू जला दिया, पेस्ट लगा रखा है तो पेस्ट लगा दिया। चीज मच रही है इसने और क्या। आपने सोचा एकदम से उठा के बन जाएंगे है ना? तू बना रही थी, मैंने सोचा भैया होंगे ठीक है। हाँ सबसे बड़े खतरनाक लड्डू है, मैं तो आज के बाद कभी ना बनाऊ इनको। पहली बार मैंने ट्राई किए थे और आवाज कम कर लो इसकी, और उनको लगा कि जैसे ये बना रही है मैं भी बना लेता हूँ। हाथ जल गया, चला हुआ हाथ ना बहुत परेशान करते हैं हम लेडीज को, तो फिर भी आदत रहती है। मैं सही बताऊं तो क्योंकि हम कुकिंग करते हैं कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन जेंट्स बेचारे उनका हाथ जल जाए। और अब श्रीजा मांग रही है लड्डू, तब तो नाटक कर रही थी, मेरे लड्डू की मजाक उड़ा रही थी। ठीक ठाक लगते हैं लड्डू, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं खाए जाते। लो मुझे नहीं खाने ये लड्डू, छोटा लो। हाँ तो बस मैंने पहली बार बनाए थे लड्डू, ये काफी मकर संक्रांति, वैसे हमारे यहाँ ये बनते नहीं है दोस्तों। मैंने सोचा तिल रखे हुए हैं और ये फिनिश हो जाएंगे, और हाथ जल गया मेरे हस्बैंड जी का, इसलिए मुझे बड़े बेकार फील हो रहा है। और आज के बाद मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी इनको सच में। और इससे अच्छा था आप तिलपट्टी या गज्जक बना लो ना, वो ठीक रहता है। वो क्या बोलते हैं गज्जक बोलते हैं उसको, क्या बोलते वो ठीक रहता है। इसमें हाथ बहुत जलता है, थोड़े से डेंजरस है ये। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, और ऐसे ही प्यारे वीडियो देखने के लिए रोज़ हमसे जुड़े रहना, रोज़ हमारा एक वीडियो आता है। बाय बाय दोस्तों।